ऑफर दी कि बेटा कुछ ड्रामास हैं पीटीवी में स्टार्ट हो रहे हैं तो आई शुड स्टार्ट माय करियर. फहीम बन्नी के साथ मैंने किया था विद मानू बलोच एंड असफर रहमान के साथ, वो भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. लड़कों के लिए भी मुश्किलात होती हैं, लड़की में भी ज़्यादा ही मुश्किलात होती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहें? मैं वैसे ये समझती हूँ कि वो अलग बात है कि हम लोगों की जो फील्ड है, हमारा जो मीडिया है, आप यानी वो सीनियर है, आपको ज़्यादा इस बात का अंदाज़ा होगा कि हम लोगों का जो मीडिया के अंदर जो भी चीज़ होती है वो छुपती नहीं है, हर चीज़ बहुत हाईलाइट हो जाती है. हर फील्ड के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं. आपने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की, पोर्शे के लिए की, आपने एलान के लिए की, आपने ऑडलो के लिए की, आपने ओरिजिन्स के लिए की, आपने टोनी एंड गाय के लिए की. पहले आप विजुअल आर्ट में आई, फिर आप थिएटर में आई, फिर आप क्रिएटिव राइटिंग में आई. इस बेचैनी की वजह क्या है आपकी? एक आर्टिस्ट के अंदर अगर बेचैनी नहीं है ना तो फिर मैं नहीं समझती कि वो आर्टिस्ट है. जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. अभी तो हैं बहुत सारे प्लान्स हैं इंशाल्लाह. टेलीविजन की तरफ कैसे आई? आपने उधर भी काफ़ी प्लेस की. हाँ, टीवी का ये था कि जब मैंने अपना बैचलर्स अपना कंप्लीट किया तो उस वक्त इत्तेफाक से ही अमजद साहब ने उनका वहाँ पर आना शुरू हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर और एनसीए के अंदर भी, क्योंकि वो आया करते थे कुछ सेमिनार्स थे, कुछ एग्जीबिशंस थे, कुछ इस किस्म के ट्यूटोरियल्स वगैरह देने के लिए ऑन राइटिंग एंड थिएटर एंड प्रोडक्शन एंड ऑल दैट. और जब हम लोग अपना थिएटर कर रहे थे तो साथ साथ हम लोग के अमजद इस्लाम अमजद हैं, सलमान शाहिद हैं, कवी खान साहब हैं, उनके वो सेमिनार्स हुआ करते थे ट्यूटोरियल्स के लिए, उनसे काफ़ी मुलाकात रहती थी, आना जाना रहता था. तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दी कि बेटा कुछ ड्रामास हैं पीटीवी में स्टार्ट हो रहे हैं तो आई शुड स्टार्ट माय करियर, एक एक आध करके देखो, इसका एक रिस्पांस देखो, अगर तुम्हें कोई इशू नहीं है फैमिली की तरफ से और यानी तुम्हारा काम अच्छा है, थिएटर में तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम्हें कुछ बेसिक्स का पता है, बाकी तुम आहिस्ता आहिस्ता करके यानी प्रैक्टिस के साथ तुम सीख जाओगे. तो उससे मुझे काफ़ी अच्छा रहा कि मैंने अपना एक आध मैंने दो तीन मैंने किए ड्रामास, मोस्टली पीटीवी होम के लिए किया, फिर मुसलमान शाहिद के लिए किया, फिर एक अमजद साम अमजद का था रोशनी की दस्तक पे, उसके अंदर काफ़ी बड़ी उसके अंदर कास्ट थी, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस. कितने प्लेस किए होंगे टेलीविजन के आपने? टीवी के लिए जो है मैंने 4-5 किए हैं, लेकिन द टाइम आई स्टार्टेड टीवी जब आए मेरे पास, तो जब मैंने अपनी वो स्टडीज़ के दौरान किए तो उस वक्त मैं इतनी फोकस नहीं थी, क्योंकि मेरा मेन फोकस ये था कि अच्छा काम करना है, अभी कोई असाइनमेंट है, कोई थीसिस है, ये वो है. तो ठीक है, एक दो अच्छे आपको मिल गए हैं प्रोजेक्ट तो चलें, व्हाई नॉट, क्यों नहीं. उसके बाद जब मैंने अभी एक लास्ट ईयर मैंने किया था ड्रामा फॉर उर्दू वन, फहीम बन्नी के साथ मैंने किया था विद मानू बलोच एंड असफर रहमान के साथ, वो भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. लेकिन उस वक्त भी मैं इत्तेफाक से, कोई 2 साल पहले की बात है, उस वक्त भी इत्तेफाक से मेरा कोई इतना यानी फोकस नहीं थी, मतलब मैं अपना काम कर रही थी, मॉडलिंग का शोज़ हो रहे हैं, असाइनमेंट्स हो रहे हैं, फिर यू नो आपकी यानी पेंटिंग भी हो रही है साथ में, तो इतना फोकस नहीं था. सो नाउ यू नो नाउ आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई करियर. मेरा लड़कियों के लिए टेलीविज़न पे क्या मुश्किलात पेश आती हैं? मसलन अब आप इस बात को बेहतर समझती हैं, आप मुस्करा भी रही हैं बहुत ज़्यादा, तो ज़रा इसका मुझे जवाब दीजिए कि लड़कियां लड़कों के लिए भी मुश्किलात होती हैं, लड़की में भी ज़्यादा ही मुश्किलात होती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहें? शुएब, मैं वैसे ये समझती हूँ कि वो अलग बात है कि हम लोगों की जो फील्ड है, हमारा जो मीडिया है, आप यानी वो सीनियर हैं, आपको ज़्यादा इस बात का अंदाज़ा होगा कि हम लोगों का जो मीडिया के अंदर जो भी चीज़ होती है वो छुपती नहीं है, हर चीज़ बहुत हाईलाइट हो जाती है. आप कहीं पे यू हैविंग पार्टी, यू गोइंग फॉर डिनर और इवेंट और एक्टिविटी, तो वहाँ पे तो हर चीज़ आपकी वैसे ओपन हो जाती है, हर बंदे के यानी कनेक्शंस होते हैं. सो यहाँ पर ज़रा चीज़ें ज़रा वो निकल के आ जाती हैं. अदरवाइज़ हम देखा जाए तो हर फील्ड के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं. अब आपकी अगर फील्ड के अंदर कुछ अगर मुश्किल पेश आई, मुश्किल पेश ऐसे मुझे जो है वो टीवी के अंदर, तो मैंने उस तरह से तो अभी यानी प्रॉपरली मैंने काम नहीं किया, बिकॉज वो सारे मेरे सीनियर्स थे, मेरे मेंटर्स थे, दे आर लाइक माय यू नो यू वर इन अ प्रोटेक्टेड. हाँ, एग्जैक्टली. तो वो तो वहाँ पर होते थे कि अच्छा ये मैं अपना बच्चा छोड़ के जा रहा हूँ, तो मतलब इस तरह से सीन है, तो थोड़ा सा अपने इनका ख्याल रखना है, तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कुछ इस तरह की कोई बात करने की. लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं जो औरतों को फेस करने पड़ते हैं
आपको उस सिस्टम के अंदर उस एक जो एक बना हुआ है यहाँ पर एक उसके अंदर आपको पेनिट्रेट करना पड़ता है. उसकी भी यू नो डिफरेंट एक लेवल्स होते हैं. आप यानी कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है. लेकिन एक बात मैं इस पर एक ऐड करूँगी कि देखिए बुराइयाँ जो हैं हर फील्ड के अंदर होती है, लेकिन अगर आप उसके बारे में सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, पैशनेट हैं, अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, तो बुराइयाँ अच्छाइयाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं. सो आपकी फील्ड में अगर कोई बुराई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस फील्ड से किनारा का शिफ्ट तैयार कर लें. आपको एक दरमियान का रास्ता एक देखें कि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपकी रहे और आपका जो शौक है, आपका जो पैशन है, उसको भी आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करती, बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देती हैं. डिप्लोमेसी तो वही वो जिंदगी का हिस्सा है, उसके बगैर तो यानी कोई चारा ही नहीं है. अच्छा, आपने रफ़ी पीर थिएटर के साथ भी बहुत काम किया, आपने वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया, तो उसमें आपने ये थिएटर के अंदर जब एक पूरा विलेज आबाद होता था, तकरीबन 20-22 मुल्कों के लोग आते थे, तो हाउ वाज दैट इंटरेक्शन? दैट वाज अमेजिंग. अंडर वन रूफ, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, यू आर गोइंग टू मीट अमेजिंग आर्टिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. कोई 18 मुल्कों के अलग अलग डेलीगेट्स आए हुए होते थे, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिशियंस, डांसर्स, सिंगर्स, एक्टर्स. वहाँ पे एक चीज़ जो मैंने देखी, वहाँ पे वन मैन शो करने वाली ख़वातीन बहुत ज़्यादा थी, अमेजिंग डांसर्स थी, अमेजिंग. वहाँ पे आप अपने ही मुल्क के अंदर रहते हुए इतना कुछ सीखने को मिलता है. दुनिया के हर कोने से वहाँ पे आर्टिस्ट आए हुए होते थे और लर्निंग प्रोसेस, एक बच्चा होने के नाते आपका लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है. आपको एक्सपोजर, आपको अपॉर्चुनिटीज ऐसे ऐसे मिलती थी कि तकरीबन एक रात में 18-19 इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस होती थी, और जो कि बहुत दैट वाज अ ट्रू आर्ट एंड कल्चर की जो एक प्रमोशनल एक फेस्टिवल था. अच्छा, बातें हैं थोड़ा सा आपकी मॉडलिंग की तरफ. आपने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की, और मॉडलिंग इतने बड़े ब्रांड्स के लिए करना और मिलना ज़रा मुश्किल काम है. जैसे कि आपने पोर्शे के लिए की, आपने एलान के लिए की, आपने ऑल्डो के लिए की, आपने ओरिजिन्स के लिए की, आपने टोनी एंड गाय के लिए की, तो मॉडलिंग में आपने कहीं पर सांस लेना गवारा नहीं किया? पहले आप विजुअल आर्ट में आईं, फिर आप थिएटर में आईं, फिर आप क्रिएटिव राइटिंग में आई, फिर आप ये टेलीविज़न में आई, और फिर आपने ये मॉडलिंग इख्तियार कर ली, तो ये इस बेचैनी की वजह क्या है आपकी? बेचैनी की वजह जो है वो बस एक आर्टिस्ट के अंदर अगर बेचैनी नहीं है ना, तो फिर मैं नहीं समझती कि वो आर्टिस्ट है. और दूसरा ये कि ये आपका एक सेल्फ एक्सप्रेशन, आपकी जो एक इनर एक कथारसिस होता है एक आर्टिस्ट के अंदर, आपका डांस है, कल्चर है, म्यूज़िक है, आपका यू नो कोई माइम है, कोई आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कोई सिंगर हैं, जो भी कुछ है, ये बेसिकली आर्ट और सेल्फ एक्सप्रेशन की इंटरप्रटेशंस हैं. आप उसको किसी भी लैंग्वेज में बात कर लें, आपने एक दुख को बयान करना है. एक डांसर एक्सप्रेशन एक ही है, एक्सप्रेशन आपका एक है. जैसे कहते हैं ना कि एक आर्ट की, फ़न की या कला की कोई ज़ुबान नहीं होती, वो सिर्फ एक फीलिंग होती है. उसको सिर्फ आपने एक फील करना है और लोगों तक पहुँचाना है. आप एक वन मैन शो हैं, आप एक डांसर हैं, आप एक शायर हैं, एक लिखारी डांसर हैं. जी मैं मतलब प्रॉपर इसका इंकशाफ तो कहीं हुआ नहीं आज तक. आई लव डांसिंग. दैट्स ग्रेट. अच्छा, उसके भी हैं कुछ प्लान्स हैं. जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. अभी तो हैं बहुत सारे प्लान्स हैं, इंशाल्लाह बात करेंगे दोबारा. तो फिर आपको कौन सा मॉडलिंग में, आप एड्स तो सारे ही बंदा अच्छे करता है और पता चलता है कि उसने किए हुए हैं, लेकिन कोई एक ऐसा ऐड होता है जो आप खुद भी देखे, मैंने इस ऐड में बहुत अच्छा काम किया, इट्स रियली गुड, है कोई? हाँ, अभी हैं बहुत सारे हैं, अच्छे हैं. जो मुझे अभी एक याद पड़ता है, अभी रिसेंटली एक दो महीने पहले मेरा एक बहुत अच्छा ओल्ड एयरपोर्ट पे मेरा प्रोजेक्ट हुआ है, इसका डेल टेक्नोलॉजीज का मेरा हुआ है. दैट वॉज सुपर एयरक्राफ्ट्स थे वहाँ पर, डेल के आपके अमेजिंग
लॉन्च था फिर साथ में आपका, मतलब सुबह से सिंस अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक मुझे एक सेकंड के लिए भी बैठने का मौका नहीं मिला, बिकॉज वहाँ पे एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो रही थी और आपकी रिहर्सल्स थी, फिर साथ में आपके वो स्टिल्स चल रहे हैं, साथ में आपके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, साथ में आपका शूट हो रहा है. सो मतलब दैट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माइन. उसकी जो वीडियो भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन. सो उसके अलावा जो है पोर्शे का जो मेरा सबसे पहला जो मेरा कमर्शियल शूट था वो भी मेरा बहुत अच्छा गया. वो मरामे राबरों की टीम थी, कामया रुकनी की उसके अंदर आउटफिट्स थे एंड वो मेरा शूट बहुत अच्छा गया. उसके अंदर पोर्शे कार्ड्स थी एंड हेलो पाकिस्तान मैगजीन का वो कवर पेज था एंड लिटरली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं आऊँगी कवर पे. उसमें तीन चार और भी बड़ी मॉडल्स थी और द नेक्स्ट आफ्टर टू थ्री डेज आई सॉ माई सेल्फ ऑन द मिरर ऑन द मेन पेज एंड आई वाज नॉट ये मैं हूँ एंड दैट वाज माय फर्स्ट पेड शूट. अच्छा, हाँ, दैट्स वंडरफुल. इसका मतलब है कि अभी आगे और भी ओपनिंग्स हैं. अच्छा, फैशन की बात शुरू हो गई है तो ज़रा थोड़ा फैशन की तरफ आ जाते हैं. आपने बहुत सारे रैंप्स किए, बहुत सारे लीडिंग फैशन डिज़ाइनर्स के लिए, एलान के लिए किया, सना सबीनाज के लिए, अली जिशान के लिए किया, कामया रोकनी के लिए किया. तो रैंप करते हुए आप क्या सोचती हैं यूजुअली जब आप रैंप करती हैं मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स के, तो आपका जहन में क्या होता है कि फैशन, व्हाट फैशन इज़ ऑल अबाउट, किस तरह से देखती हैं आप रैंप? हमारे जो मंजिल जो हमारे फैशन डिज़ाइनर्स हैं कुछ वहाँ कराची में भी या लाहौर में भी, उनकी एक मुझे बेस्ट क्वालिटी ये लगती है कि शो शुरू होने से पहले जो है वो तमाम अपनी मॉडल्स के साथ और अपने आर्टिस्ट के साथ एक प्रॉपर एक मीटिंग करते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि उनकी कलेक्शन की इंस्पिरेशन क्या थी, उन्होंने किस तरह से क्यों वो यानी क्यों बनाई ये कलेक्शन और वो हमसे मॉडल से या आर्टिस्ट से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम लोगों ने वहाँ पर जाकर एक्सप्रेशन देना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, हमारा एक यू नो द वे ऑफ वॉकिंग एंड वो स्टैंड हमारा यू नो हम लोगों ने किस तरह से अपने आप को वो कैरी करना है. तो ये बताइए कि जो आपके सीनियर मॉडल्स होती हैं उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है, जो आपको न्यू मॉडल्स होती हैं उनके साथ कैसा रवैया होता है? अब चूंकि मुझे आई थिंक यू विल बी ऑनेस्ट व्हेन यू विल बी टॉकिंग अबाउट इट. हाँ ज़रूर, बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि मेरा अपना जो एक रहा है एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि जो सीनियर मॉडल्स हैं आई वॉन्ट टेक नेम, उनके अंदर हमारी जो यानी स्पेशली जो एक फीमेल मॉडल्स हैं, मेल मॉडल्स पे भी हम लोग बात करेंगे, जो फीमेल मॉडल्स हैं उनके अंदर दो चार किस्म की बहुत वियर्ड किस्म की एक है यहाँ पे एक बना हुआ एक सिस्टम बना हुआ स्पेशली हमारे पाकिस्तान के अंदर. एक तो ये है कि जब उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है व्हेन दे क्रॉस देयर 40s, 45 इवन के 50 इवन आई वोंट टेक नेम, बट द थिंग इज़ कि वो दोबारा से आ जाती है. फिर वो एक और बुरी चीज़ है कि वो कुछ नया नहीं करना चाहती. आप यू कैन गो टू आर्ट डायरेक्टर यानी फैशन डायरेक्टर, यू कैन स्टार्ट योर डिज़ाइनिंग लाइन, कोई आपका कोई अपकमिंग जो मॉडल्स हैं उनकी ग्रूमिंग की हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं कि आपका एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद आप इतना वो सीख चुके होते हैं कि आप आने वाले जो नया खून है या जो नया ब्लड है उनको आप बहुत कुछ आपके पास होता है सिखाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में नहीं होता. बहुत आपको स्पेस नहीं मिलती, नहीं स्पेस नहीं मिलती, आपको यहाँ पर काम यानी काम काट दिया जाता है, आपकी फैशन वॉक्स निकलवा दी जाती हैं, आपके कपड़े उठवा के आपकी आपकी रिहर्सल होती है, आपका शो डन होता है, आप अपनी रिहर्सल करके अपना मेकअप करा कर आते हैं वापस, आपके कपड़े वहाँ से. मतलब अगर आपने किसी सीनियर मॉडल को नाराज़ कर दिया तो फिर आपके लिए कोई जगह नहीं. नहीं, वो नाराज़गी तो मतलब यहाँ पे हम नहीं अफोर्ड कर सकते, बट यही है कि जो न्यू मॉडल्स होती हैं फिर मुजारे पता कि उन लोगों ने फिर रोती हैं धोती हैं जो भी कुछ है मतलब अपना वो दुख इसके साथ शेयर कर लिया, लेकिन आखिर में होता वो ही है जो कि सीनियर जो पुरानी हमारी यहाँ की जो मॉडल्स हैं क्योंकि उनकी अच्छी दोस्तियाँ बनी हुई हैं डिज़ाइनर्स के साथ, शो डायरेक्टर्स के साथ, इस किस्म की चीज़ें जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा. अच्छा, हुमैरा, मैं अक्सर देखता हूँ कि मुख्तलिफ फैशन मैगजीन्स के कवर्स पे और शोबिज़ मैगजीन्स के कवर्स पे मैं हमेशा एक जैसे चेहरे रिवॉल्व होते हुए देखता हूँ, इसकी क्या वजह है? इसके पीछे मैं बिलीव करती हूँ कि बल्कि मुझे खुद इस चीज़ को देखने का जो है मुझे हुआ है इसका कि ग्रुप्स हैं, ग्रुपिंग है आपके अंदर, ग्रुपिंग बहुत स्ट्रांग है.
अच्छा, लाहौर की कुछ अलग ग्रुप्स हैं, कराची के कुछ अलग हैं, कुछ वहाँ इस्लाम आबाद के कुछ अलग ग्रुप्स हैं, और उनकी दो चार मॉडल जो हैं हर ग्रुप के उन लोगों ने रखे हुए हैं, कुछ मेल मॉडल हैं, कुछ फीमेल मॉडल हैं। वही बार-बार छपती मुझे नजर आती है, वही बार-बार छपती हैं। हर फैशन शो की जो ओपनिंग होती है उसका उसकी वो क्लोजिंग है, जो फैशन डिजाइनर है वो उन्हीं को लेते हैं। तो क्या इंसेंटिव है उनके पास देने के लिए? हर किसी के अपने कुछ ना कुछ एक पर्सनल इंटरेस्ट तो होते हैं, ये तो एक बात है, लेकिन जब एक चीज़ बहुत मतलब हद से ज़्यादा एक्सीड हो जाए ना, तो वो चीज़ें फिर वो ज़्यादा देर तक वो नहीं रुकती हैं, क्योंकि ये जो एक ख़ास किस्म का एक कल्चर जो है हमारे यहाँ पर बन चुका है कि भाई आप हमें कुछ पर्सनल फ़ायदा देंगे तो हम आपका कुछ करेंगे। सो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही डीपली हमारी मीडिया में जो है पेनिट्रेट हो चुकी हैं चीज़ें। सो इसी वजह से जो है मैं समझती हूँ कि जो वर्थी लोग होते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, या जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, या जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं, जो मतलब खुद अपने एक यानी अपनी एक वो सेल्फ लर्निंग से जो अपने आते हैं इस फील्ड के अंदर, उनका कोई इतना उनको आगे नहीं आने दिया जाता। एक तो ये कि वो सीनियर मॉडल्स हैं अपनी वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, फिर सेकेंड ग्रुपिंग है, फिर थर्ड एक बहुत बड़ा एक इशू ये है कि हमारे जो एक रिवाज शुरू हो गया है कि जो फोटोग्राफर्स हैं वो बाहर के मुल्क वो जाते हैं, वहाँ पर उन लोगों ने गोरी मॉडल्स लेनी है, उन लोगों ने वो जो हैं, और उन लोगों को भी इस चीज़ की आ चुकी है समझ के, उन्होंने भी एक पाकिस्तान इज़ अ ह्यूज मार्केट फॉर द लॉन एंड इस किस्म की एक विंटर कलेक्शन है, फिर एक लॉन की कलेक्शन की हम लोगों का एक सीज़न होता है बहुत बड़ा। अब उन्होंने भी जो है अपनी प्राइस को आधे से आधा कर दिया, उससे ये हो गया कि वो जितनी भी जो बाहर की बैंकॉक की और वो थाईलैंड की जो इस किस्म की दुबई की जो मॉडल्स हैं वो उनके फेसेस आप देखते हैं यहाँ पर, दे आर एवरीवेयर, बिलबोर्ड्स हैं आपकी, फैशन मैगजीन्स हैं आपकी, हर जगह पर वो आपको आती हैं, नज़र आती हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी प्राइसेस बहुत कम कर दी हैं, वो आपके बहुत ही कम पैसों के अंदर आपके 50 जोड़े निकाल देती हैं। सो चौथा एक बड़ा इशू ये हुआ है कि यहाँ पर जो अपकमिंग जो मॉडल्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसे फील होता है कि उनकी शायद तालीम का कुछ थोड़ा सा फ़र्क है, उनकी अपनी पर्सनल वो ग्रूमिंग का, या जो उनको एक बेसिक जो एक एथिक्स हैं, जो एक मैनरिज्म होती है काम करने का, एक जो होता है तरीका, यहाँ पर हर बंदा कोई ना कोई वो शॉर्टकट के चक्कर में है। सेकंड ये कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने वाले लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में आप कहीं पे भी देख लें, वो पहले एक ज़माना हुआ करता था यू नो कि जिसमें मैरिड था और चीज़ें देखते थे, आपके गुड्डूशानी थे, आपके लीवीज थे, आपके खावर राज थे, आपके यू नो बड़े बड़े नाम थे, यानी आतिश आज़ाद है, वो मतलब अमेजिंग यानी फैबुलस 8-9 लोग यहाँ के थे, 8-9 लोग वहाँ कराची के थे, वो ऑथेंटिक बड़ा अच्छा डिसेंट तरीके से काम कर रहे होते थे, उनकी मॉडल्स बड़ी ग्रूम थी, उनको पता था कि उन लोगों ने अपने आप को कैसे कैरी करना है, उन मतलब वो अपना एक सर्टन काइंड ऑफ एक एटीट्यूड उनका होता था। इसी वजह से जो है पहले का अगर हम देखें फैशन तो बहुत अच्छा हमारी जो रही है हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब आके वो चीज़ नहीं रही है। आपने अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर आपने कहा है कि आप यानी 50,000 एक मिसाल के अगर आप इन्हीं को चार्ज करते हैं, या 1 लाख अगर आप इन्हीं को चार्ज करते हैं एक शूट के लिए या एक यानी प्रोजेक्ट के लिए, आप वो जो क्लाइंट होगा वो उसकी यानी कोशिश होगी, या उसको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि 20,000 रुपये में आपका वो पूरा जो है चीज़ जो है वो तैयार करके दे देंगे। उसके पीछे भी ये है कि आप मॉडल्स आ गई हैं ऐसी जो कि यानी फ्री में काम करने के लिए तैयार हैं, आपके मेकअप आर्टिस्ट ऐसे आ गए हैं जो कि एक दिन का बहुत ही वो कम पैसों के ऊपर, क्योंकि उनका वीकली या उनका मंथली एक वो सिस्टम फोटोग्राफर्स के साथ या इस किस्म के यानी वो क्लाइंट्स के साथ या इन हाउस ऐसा वो चल रहा होता है कि उन्होंने बहुत माइनर सी एक यानी प्राइस पे करनी होती है, उसके ऊपर वो अपने 25 शूट करा लेता है। मॉडल्स का भी अब ये सिस्टम है कि उन्होंने एक थोक के हिसाब से उन लोगों ने काम करना है, एक मंथ के अंदर फोटोग्राफर ने उनको जो है तकरीबन कोई 15-20 जो है वो शूट कराने हैं, और वो उनको एक छोटी सी जो है यानी प्राइस दे देता है।